दोस्तों यकीनन यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, खासकर घरेलू महिला और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि इस तकनीक से वह बिना सिलेंडर उठाए और बिना तोले आसानी और सटीकता से यह पता कर पाएंगे कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस बची है और वह कितने दिनों और चलने वाली है। इस एक्सपेरिमेंट में हम दिखाएंगे कि यह तकनीक कितनी कारगर है और क्या इसका कारण है। इसलिए दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना कट करे हमारे साथ वीडियो पर इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बने रहें। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम यहाँ पर दोस्तों दो सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर खाली है और एक में गैस है। सिलेंडर किसी भी कंपनी का लिया जा सकता है। पहले हम खाली सिलेंडर पर इस तकनीक का उपयोग करके देखेंगे। इस सिलेंडर का भार हम पहले तोल लेते हैं। इस तकनीक में दोस्तों पानी का उपयोग किया जाता है, यह तो हम नहीं कह सकते कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। यदि नहीं जानते हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपको इसको बता रहे हैं। और यह देखिए, खाली सिलेंडर का वजन 15 किलो 920 ग्राम है, यानी 16 किलो के आसपास है। इस खाली सिलेंडर पर हम कपड़े के द्वारा या हाथों से सिलेंडर के ऊपर पानी लगा देते हैं और यह देखते हैं कि लगा गया पानी एक समान रूप से और एक समय में सूखता नजर आता है या नहीं। यदि यह समान रूप से सुखाई देता है तो सिलेंडर के अंदर गैस है या बिल्कुल नहीं है। इस सिलेंडर पर एक समान रूप से पानी सूखता हुआ दिखाई दे रहा है तो सिलेंडर के अंदर गैस बिल्कुल नहीं है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, यहाँ हमने पानी के साथ आपको दिखाने के लिए खड़िया का घोल सिलेंडर के ऊपर लगाया है और यह बिल्कुल एक समय में और एक समान रूप से सूखता हुआ नजर आया। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर गैस बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल यही प्रक्रिया हम जिस सिलेंडर के अंदर गैस है उसमें इसको करके देखेंगे। सबसे पहले इस सिलेंडर का हम वजन तोल लेते हैं और यह 27 किलो 370 ग्राम आया, जबकि गैस सहित पूरा वजन 30 किलो के आसपास होना चाहिए था। सिलेंडर में गैस की जो कमी है वह 3 किलो कम है। सिलेंडर में गैस यहां से लेकर यहां तक होती है और 3 किलो कम गैस लगभग यहां तक होगी। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर खड़िया का घोल पानी में मिलाकर लगाते हैं। आप घर पर पानी के द्वारा इसको देख सकते हैं, आपको खड़िया की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह खड़िया का घोल हम कैमरे में अच्छी तरह से दिख जाए इसलिए उपयोग कर रहे हैं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर हमने पानी में मिलाकर खड़िया लगाई थी वह अलग अलग दो भागों में सूखती हुई नजर आई। पहले वह भाग सूखता नजर आया जहाँ पर गैस नहीं है और उसके बाद वह भाग सूखता नजर आया जहाँ पर गैस है। यकीनन दोस्तों आप इस तकनीक के द्वारा बहुत आसानी से है जान सकते हैं कि सिलेंडर में गैस कहाँ तक बची हुई है। दोस्तों यह तकनीक बहुत ही बेहतरीन तरकीब है। इसके द्वारा सिलेंडर को तोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही हिलाकर अंदाजा लगाने की गैस कितनी सिलेंडर में बाकी बची हुई है। यहाँ पर जिस स्थान पर गैस है वह ठंडा स्थान है और ऊपर वाला थोड़ा गर्म है। इसको हम टेम्परेचर मशीन के द्वारा भी आपको दिखा रहे हैं। और यह देखिए दोस्तों, जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ का तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और यदि नीचे के टेम्परेचर की बात करें जहाँ पर सिलेंडर में गैस है वहाँ का टेम्परेचर 23.8 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि दोनों में यदि अंतर की बात करें तो वह लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। दोस्तों यह तकनीक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यदि चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।